हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चने दाल का खट्टा मीठा नमकीन बनाने की विधि बताऊंगी, जो खाने में टेस्टी है, डिलीशियस है, खट्टा मीठा है, तीखा है। एक बार ट्राई करके देखिए बनाकर। चैनल को लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें। 300 ग्राम चने के दाल है। चने दाल को हमने 5 घंटा पहले पानी में भिगो दिया है। चने के दाल फूल गए हैं, 3-4 पानी से फ्रेश से धो लिए हैं। चने दाल का सारा पानी निकाल देंगे और चने दाल को पंखे का हवा में सुखा लेंगे। चने दाल में जितने पानी हैं सुखा लेंगे। तेल गर्म हो गया है, 1 कप फूले हुए चने दाल डालेंगे। चने दाल को मीडियम टू हाई फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे। अभी तेल में बबल्स आ गए हैं, चने दाल को जला देंगे। बीच बीच में चला देंगे। चने दाल को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। चने दाल तेल में तैरने लगे हैं। फ्राई चने दाल तेल में तैर रहे हैं। चने दाल का नमकीन फ्राई हो गया है और इसे थाली में रखेंगे। फ्राई चने दाल के नमकीन को थाली में रखेंगे। दूसरा बैच का चने दाल को भी डीप फ्राई करेंगे। तेल में अभी भी बबल्स है। चने दाल का नमकीन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जिसे क्रिस्पी हो जाएगा। चने दाल का नमकीन फ्राई हो गया है। आधा कप मूंगफली, मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली फ्राई हो गया है। करी पत्ता, करी पत्ता को फ्राई कर लिए हैं। चने दाल का नमकीन को मिक्स करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा खाते हो तो मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालें।
आधा चम्मच चीनी का पाउडर, आधा चम्मच आमचूर के पाउडर, दो पिंच काला नमक मिक्स करेंगे। चने दाल का नमकीन को हमने खट्टा मीठा बनाया है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा और इसे महीनों भर स्टोर कर खा सकते हैं। ये तो अभी कभी चेक हो जाएगा। इन सारे सामग्री को मिक्स कर लिए हैं।